एक घटिया एक वाहियात मूवी देखने के बाद इस मूवी ने एक महरम का काम किया। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले ट्रांसफॉर्मर 1 एनिमेटेड मूवी के बारे में, जिसकी लेंथ तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के आसपास है। और सच में ये एक ऐसी मूवी रही है जहां पर मैंने जस्ट पहले युद्रा मूवी मैंने देखी थी, जिसने सर में दर्द कर दिया। और इस मूवी का मुझे ट्रेलर भी, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर 1 मूवी है एनिमेटेड मूवी, इसका मुझे ट्रेलर भी इतना खास पसंद नहीं आया था, लेकिन बावजूद इसके इस मूवी ने एकदम मूड फ्रेश कर दिया, इतना बढ़िया मुझे लगा है। हम बात करेंगे मूवी के अंदर क्या अच्छा है, क्या इसके अंदर कमियां है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है ट्रांसफॉर्मर की लाइव एक्शन वाली, तो आपने दो नाम बड़े डेफिनेटली सुने होंगे, एक तो ऑप्टिमस प्राइम का, एक मेगाट्रॉन का। इन मूवीज के अंदर, ट्रांसफॉर्मर की जो लाइव एक्शन मूवीज हैं, आपने इन दोनों को हमेशा लड़ते हुए देखा है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा ये दोनों दोस्त भी हुआ करते थे। तो इस एनिमेटेड मूवी में वही दोस्ती को दिखाया गया है कि ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन जो है वो दोस्त हुआ करते थे, इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे कि वो दोनों भाई हो, इस तरीके का उनकी बॉन्डिंग हुआ करती थी। और फिर वो दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली है, ये जो सफर है इस मूवी में देखने को मिला है। इसके अलावा जो ऑप्टिमस प्राइम का प्राइम बनने का जो एक जर्नी है, वो भी इस मूवी में दिखाई गई है, जो एक बेस्ट पार्ट है इस मूवी का, जो देखकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। मेरे मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा ये बताने की यार मूवी में क्या क्या चीजें अच्छी हैं। चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये हो गई मूवी की कहानी कि भाई ऑप्टिमस प्राइम का सफर कैसा होता है, कैसे उनकी जो मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम की दुश्मनी कैसे होती है। अगर आपको इन सवालों के जवाब जानने हैं तो डेफिनेटली आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं कि मूवी में क्या अच्छा है। जो सबसे बढ़िया चीज है इस मूवी की, वो है इसकी कहानी। जिस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलती है, एक बड़ी ही आशावादी, एक ऑप्टिमिस्टिक कहानी है इसकी। आप देखकर बहुत ज्यादा एक मतलब ऊर्जावान, मतलब एक फ्रेश फील करोगे, ऐसा प्रॉपर वर्ड तो मुझे नहीं मिल रहा है, जो मैंने फील किया। मतलब आप सोच कर देखो, मेरी एक ऐसी हालत थी जब मैं ये मूवी देखने गया, एक तो मेरी कोई उम्मीद भी नहीं थी यार इस मूवी से कि यार मैं मूवी देखूंगा, क्योंकि ट्रेलर मुझे पसंद नहीं आया था। ऊपर से युद्रा करके मैंने एक मूवी देख रखी थी जिसने सर में दर्द कर दिया था, इतने ज्यादा नेगेटिव चीजें थी। लेकिन जब ये मूवी में देखने गया, और जैसे जैसे मूवी में आगे बढ़ा, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, यार इस मूवी ने एकदम मेरा मूड चेंज कर दिया। इतनी बढ़िया तरीके से इस मूवी की कहानी जो है वो लिखी गई है। और सबसे एक बढ़िया बात और भी, मतलब जो कहानी तो है ही अच्छी, ऑप्टिमस प्राइम का जो करेक्टर है वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मतलब वो आपको एक अंदरूनी खुशी देगी। इसकी कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके साथ जो ऑप्टिमस प्राइम का जो करेक्टर डेवलपमेंट किया गया है, जिस तरीके का उसका बिहेवियर दिखाया गया है, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा कि यार इतनी उम्मीदें हैं इस कैरेक्टर के पास। मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे हैं, आप अगर सही काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इसके अलावा अगर बात करें मूवी में एनिमेशन की, तो डेफिनेटली मूवी की एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया है। ऑब्वियसली मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया है, तो वहां पर एनिमेशन से तो कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया एक एनिमेशन रखी गई है। और अगर आप लोग इसको इंग्लिश वर्जन में देखना चाह रहे हैं, तो आपको इसमें जो आवाज जो सुनाई देगी, जो वॉइस है ऑप्टिमस प्राइम की, एवेंजर का जो थोर है यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ, उन्होंने अपनी वॉइस ऑप्टिमस प्राइम को दिया। इसके अलावा एलिटा जो करेक्टर है, मतलब जो इसमें आपको देखने को मिलेगी ट्रांसफॉर्मर है, वहां पर आपको जो वॉइस है वो ब्लैक विडो यानी कि स्कारलेट जॉनसन, उनकी वॉइस, उन्होंने उनको वॉइस दी है। बाकी मूवी में जो ह्यूमर है वो बहुत बढ़िया है, मतलब कम रखा गया है लेकिन जबरदस्ती नहीं है, जहां जहां है वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हंसाते हैं। और एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्मर की ये रही है एनिमेटेड मूवी में, या फिर लाइव एक्शन मूवीज की अगर बात करूं तो एक बहुत बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जब आप मूवी देखोगे। फैमिली के साथ डेफिनेटली मूवी देख सकते हो। मैंने तो हिंदी डबिंग के अंदर मूवी देखी है, तो मुझे इंग्लिश का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऑब्वियसली यार एक मूवी के ऊपर दो बार देखना, दो बार रुपया खर्चा करना मुझे सही नहीं लगता, उतना है नहीं मेरे पास। तो ये हो गई मूवी की अच्छी अच्छी बातें। हाँ, एक और चीज जो रह गई, मूवी की जो फाइटिंग सीक्वेंस है जहां जहां है वो अच्छे रखे गए हैं। तो ये हो गई अच्छी अच्छी बातें मूवी की। अब बात करते हैं कि क्या मूवी के अंदर कोई कमियां नहीं है क्या। ऑब्वियसली मूवी के अंदर कमियां है। तो बात करें मूवी की कमी की, जो मुझे जबरदस्ती ढूंढनी पड़ रही है, वो है इसमें एक जो टाइमिंग है वो मूवी की बहुत ज्यादा कम है। एक इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है, या फिर ऐसा होता है कि यार मूवी अभी तो शुरू हुई थी और अभी एकदम से खत्म हो गई। इसको आप अच्छे और बुरे दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि यार मूवी कब शुरू हुई कब खत्म हुई, क्योंकि यार जो कहानी है उसमें आप इस तरीके से कनेक्ट हो जाओगे कि वो बहुत ज्यादा एक आपको अच्छा फील देगी। इसके अलावा जो एक और कमी मुझे लगी, इसमें फाइटिंग सीक्वेंस कम रखे गए हैं। ज्यादा इसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया, या फिर जो कहानी डेवलपमेंट है उसके
उसके ऊपर फोकस किया गया, फाइटिंग सीक्वेंस पे कम फोकस है। तो आप इस उम्मीद से जा रहे हो कि हमें एक फाइटिंग सीन ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं है। देखो हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, तो मुझे फाइटिंग सीन इतने नहीं देखने थे, मुझे जिस तरीके की कहानी इसमें देखने को मिली मैं उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाई हुआ, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो देखो इसमें ज्यादा कमियां मुझे लगी नहीं, जो मुझे होता है ना कि मुझे कुछ सेगमेंट में डालना था कमियों की नेगेटिव में, तो थोड़ा बहुत जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो एक आपको बहुत बढ़िया कहानी के साथ, एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ ये मूवी देखनी है, फैमिली के साथ देखनी है, बच्चे इसको एंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छी सीख आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगी। कोई भी वल्गैरिटी, कोई भी घटिया डायलॉग नहीं है इस मूवी के अंदर, एक बढ़िया हिंदी डबिंग के साथ आपको ये मूवी देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हो, जहां युद्रा जैसी बकवास मूवी को मतलब सोच कर देखो यार, मैं खुद हैरान हूं इतनी घटिया मूवी देखने के बाद इस मूवी ने इतना बढ़िया कंटेंट दिया है कि एकदम मूड चेंज कर दिया, इतना ज्यादा अच्छा लगा मुझे इस मूवी को देखकर। तो डेफिनेटली ये आप वर्थ इट है मूवी देखना। तो मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो वेट किस चीज का कर रहे हो, आपके नजदीकी थिएटर सिनेमा घरों में ये लगी होगी, तो आप जाकर देखिए। मैं तो कहूंगा कि बच्चों को साथ लेके जाइए, फैमिली के साथ जाइए, आपको बहुत अच्छा एंजॉय मिलेगा। एनिमेशन काफी बढ़िया है इस मूवी की, डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बार बार वो चीजें बोल रहा हूं, बस इतना ही रखते हैं। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।